मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेती बंदर परिसर के धनाजी भगत चाल में रहने वाली सलमा इस्माइल खान ने टोरेंट पावर के कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि ये कर्मचारी जबरन घर में घुस रहे थे और सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान इन कर्मचारियों ने सीढ़ियों से सलमा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से सलमा को काफ़ी चोट लगी है। ऐसा आरोप सलमा ने लगाया है और ये भी बताया है कि उनके घर पे मीटर लगा हुआ था, मगर टोरेंट पावर के कर्मचारियों ने मीटर निकाल लिया है। सलमा ने टोरेंट पावर के कर्मचारियों पर यह भी आरोप लगाया है कि कर्मचारियों ने उनका हाथ पकड़ा था और मुंब्रा पुलिस स्टेशन में टोरेंट पावर के कर्मचारियों के खिलाफ धक्का मुक्की के मामले में NC भी सलमा ने दर्ज कराई है। वहीं टोरेंट पावर के कर्मचारियों पर जो आरोप लग रहे हैं, इस पूरे मामले में हमने टोरेंट पावर के PRO चेतन बधियानी से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे टोरेंट पावर के कर्मचारी सलमा के घर का जो बकाया बिल है उसके संबंध में और उनके घर के ऊपर महले पर जो बिजली इस्तेमाल की जा रही थी वो बिजली मीटर से जुड़ा हुआ कनेक्शन था या नहीं था, ये सभी मामले की जाँच करने के लिए टोरेंट पावर के कर्मचारी उनके घर पर गए थे। मगर जब ऊपर महले पर टोरेंट पावर के कर्मचारी जांच करने के लिए जाने लगे, उस वक्त ये सलमा नाम की महिला बीच में आ गई और सीढ़ियों से उन्हें नीचे उतारने लगी। इस दौरान इस सलमा ने टोरेंट पावर के कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की भी की है, ऐसा टोरेंट पावर के PRO चेतन बधियानी ने जानकारी दी है। साथ ही ये भी बताया कि टोरेंट पावर के कर्मचारी किसी के साथ भी धक्का मुक्की या फिर उनके साथ बदतमीजी या फिर जिस तरह से सलमा ने हाथ पकड़ने का आरोप लगाया है ये पूरी तरह से गलत है। टोरेंट पावर के कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बताया कि सलमा नाम की जिस महिला के घर पे टोरेंट पावर के कर्मचारी गए थे उनका बिजली का बिल बकाया हुआ है और इसी वजह से टोरेंट पावर ने उनके घर का मीटर निकाल लिया है और टोरेंट पावर के कर्मचारियों के साथ सलमा ने धक्का मुक्की की। इस पूरे मामले में टोरेंट पावर ने भी सलमा के ऊपर मुंब्रा पुलिस स्टेशन में NC दर्ज कराई है। क्या नाम है आपका? सलमा इस्माइल खान। क्या मामला क्या हुआ था यहाँ पे? मामला परसों के दिन मैं केम हॉस्पिटल से 3 बजे आई रात को और सो गई थी ऊपर के माले पे, तो टोरेंट वाले आए और डायरेक्ट ऊपर चढ़ के मेरे को हाथ पकड़ के हिला के मेरे को उठाए। तो मैं बोली ऊपर आप कैसा क्यों आए, इतना पूछे नहीं कुछ नहीं, नीचे नहीं इंक्वायरी करना चाहिए ना। तो बोले नहीं तेरे से कुछ बात करनी है। बोले मेरे से क्या बात करनी, मीटर नीचे चेक करो। तो फिर बाद में हाथ पकड़ के वो मेरे से खींचने लगा, मेरे खींचा खींची करने लगा। एरिया वाले सब जमा हो गए। जमा होने बाद नीचे जो 2 अधिकारी खड़े थे तो चिल्ला के उसको बोलने लगे कि अरे पब्लिक जमा हो गई। तो फिर बाद में उसने क्या किया कि फिर पब्लिक जमा हो गई तो मेरे को थोड़ा ही हो गया, तो मैं उसको ऐसा पकड़ के रखी थी। तो उसने क्या किया मेरे को दोनों हाथ से ढकेल दिया और ढकने में यहाँ पे गिर गई। यहाँ से ढकला मेरे को। यहाँ से नीचे गिर गई थी। मैं पूरी कम से कम एरिया की 20-25 पब्लिक थी, सब देख रहे थे और देखने बाद गंदी बातें करने लगा मेरे को तेरे से दो बात करनी है, तेरे को मीटर बिल पूछने को नहीं आया, मैं तेरे से बात करने को आया है, हाथ पकड़ के उठाया। हाँ मेरा मीटर लगा हुआ था, लाइट बिल वगैरह। हाँ लाइट बिल वगैरह सब क्लियर है, पहले ABC का मीटर है मेरे पास। तो टोरेंट वाले ने वही लोग ने मीटर का वायर इसमें मेरा लगा के दिए और मीटर का सब बिल है मेरे पास। अभी फिलहाल जो 14,000 जो बिल आया है तो मेरा बच्चे का इंतकाल हो गया है, तो मैं कम से कम 8-9 महीना मैं गांव में थी, मीटर वगैरह सब बंद था। तो उनका कहना यह है कि इतना दिन तुम्हारा मीटर क्यों बंद था। तो फिर बाद में वो लोग की गलती मालूम पड़ी, तो फिर बाद में वो सेवाड़े साहब के पास मैं गई कल। मेरे को यहाँ गिरने के बाद मेरे को सब पब्लिक यहाँ से उठा के शिवाजी हॉस्पिटल में लेके गए, फिर वहाँ पर मेरा 8 एक्सरा निकाला गया। मेरा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, मेरे हस्बैंड का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है। उनको मैं बोल रही हूँ कि मीटर मत निकालो, मेरे को रिक्वेस्ट करके देना पड़ता है पेशेंट को खाने के लिए, उनको मुँह से चबाने को नहीं आता है, तो भी वो मेरे कुछ बात नहीं सुन रहे थे। फिर बाद में वो लोग ने क्या किया मालूम है क्या, जब भी पब्लिक को देखे ना तो लोग तीनों के तीनों भाग गए। भागने में पब्लिक उठाई मेरे को और पब्लिक ने हॉस्पिटल में मेरे को ये कर दी। अभी यहाँ का जो मीटर था हाँ तो है नहीं आपके बुक में? हाँ तो हाँ नहीं है। तो फिर बाद में मैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन में गई तो वो लोग ने मेरे को टोरेंट वाले को बिठा लिए वहाँ पे उनके ऑफिस में और उनके साथ चाय पानी करने लगे और मेरे को बोलने लगे कि टोरेंट वाले का तो काम ही है ना हाथ पकड़ के उठाना। तो मैं बोली साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, मैं एक लेडीज़ हूँ,
लेडीज का हाथ पकड़ के उठाना गलत है ना। ऊपर के माले पे आए लोग, ऊपर के माले से मेरे को उठा रहे, नीचे मीटर है, नीचे इंक्वायरी करना चाहिए। फिर सब भी मेरे को उल्टी सीधी बात करने लगे और उनको बिठा कर चाय पानी अपनी सेवा करने लगे। फिर वहाँ से मैंने एसीबी साहब को फ़ोन लगाई। एसीबी साहब को फ़ोन लगाने के बाद एसीबी साहब ने बोले कि वो महिला लेडीज़ को मार लगाए, उसका मार देखो, उसका पेपर देखो और कंप्लीट उसकी ले लो। तो भी एसीबी साहब का भी वो लोग ने नहीं सुने। और फिर बाद में मेरा सिर्फ मैं जितना बोली उतना मेरा कुछ भी वो लोग ने नहीं लिखे, उनके दिल से क्या लिखे, और सिर्फ एनसी देके मेरे को भगा दिए वहाँ से। मेरे कल इतनी इंसल्टी किया गया। फिर उसके बाद मेरे को एसीबी साहब ने बोले थे कि आज मीटिंग है, आज एसीबी साहब एसीपी ऑफिस में आ जाना। तो मैं निकली थी वहाँ पे, तो कम से कम 20-25 जन आ गए यहाँ पे घर पे। मेरा मीटर लगा हुआ था, 20-25 जन, दो तीन जन ऊपर के रूम में घुस गए, दो तीन जन ये रूम में घुस गए, फिर दो तीन जन उधर घुस गए, ऊपर के रूम में घुस गए, आदमी लोग घुस गए अंदर, सब उनके अधिकारी लोग कॉन्स्टेबल के साथ, उनके फौजदार के साथ आए थे वो। तो मैं उनसे बोलने लगी कि मत निकालो मीटर, रो रो के मैं बोल रही थी, चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी मत निकालो मीटर, मेरे पास मीटर का बिल है। तो साहब बोलता कि चोरी का मीटर है। मेरे चोरी का मीटर मेरे पास क्या जादू है अभी, क्या अभी मैं मीटर लगा दूंगी? तो ये सब मेरे पे, मेरे को मार भी बहुत लगा है। कितना मार लगा मेरे को आप मेरा मार देख सकते हो, कहाँ कहाँ पे मार है मेरा। और तो मीटर निकाल के ले, हाँ मीटर निकाल के लेके गए। बहुत जन ने बोले कि मत मीटर निकालो, उनके घर में पेशेंट है, दो दो तीन तीन कैंसर पेशेंट है इनके घर में, मत निकालो। तो भी वो लोग ने सुने नहीं, तो लाइट काट, हाँ लाइट मेरी काट दी और मीटर लेके गए। ऐसा किसी के भी घर में घुसते है और अत्याचार अन्याय चालू है इनका, ये ऊपर तक बातें मालूम नहीं होती। और उमरा पुलिस स्टेशन एक गरीब महिला को, लेडीज़ को न्याय नहीं देती है। सब मुमरा पुलिस स्टेशन पैसे पे चलने वाली है, जहाँ पैसा देते वहीं सब चलता है। मेरे पास पैसा होता तो मेरा भी कुछ होता, मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से उनको पैसा दूँ। बिल आपका ज़्यादा आया था, 14,000 का बिल था। कुछ भी नहीं, उनने इंक्वायरी मेरे से कुछ भी नहीं की है, उनने मेरे से ऐसा कुछ भी नहीं इंक्वायरी की है। सिर्फ आए ना डायरेक्ट ऊपर चढ़ गए कल, और ऊपर उनको मालूम पड़ा कि लेडीज़ को मार लगा है, कुछ आगे मैटर बढ़ जाएगा बोल के ये लोग जाके सेवाड़े साहब से पहले ही मिल लिए। तो साहब ने मेरे को ही उल्टी सीधी बात की है वहाँ पे। और टोरंट वाले का काम ही होता है ना हाथ पकड़ के उठाना, ऐसा कैसा हाथ पकड़ के उठाएंगे कोई महिला को आके? हम लोग भी तो किसी माँ बहन बेटी है ना, हम लोग की इज्जत नहीं है? उनके बीबी बेटी लोग को इज्जत ऐसी, हमको भी तो इज्जत है, हमको भी हमारी इज्जत पैरी है। हाँ मेरी रात को इंसल्ट किया गया पुलिस स्टेशन में बहुत, मेरी कंप्लेंट नहीं ली वो लोग ने, खाली एनसी उनके दिल से दाखिल की है। अभी मैंने अर्जी की हूँ एसीबी में, डीसीबी में, कमिश्नर में अर्जी की हूँ। कल मेरे पे बहुत अन्याय हुआ, ये देखो ये अर्जी करके मैं आई हूँ अभी। हाँ ये अर्जी क्यों? क्योंकि मैं निगल हूँ, मैं अनिगल नहीं हूँ, सब मेरे पास प्रूफ है। और बोलते कि रात के रात तुमने ये सब चाल चले, मैं क्यों चाल चलूँ? मेरे पास क्या जादू है चाल चलने के लिए? अभी भी जो जितने साहब लोग आए थे सबको बोल रही हूँ कि मेरे घर में तीन तीन कैंसर पेशेंट है, बगैर लाइट का नहीं हम लोग रह सकते, हमको मिक्सर में खाना पीस के खाना पड़ता है। तो भी ये लोग ने नहीं सुने।